दोस्तों, आज हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो यूनिट सेकेंड से लिया गया है। यूनिट सेकेंड का ही नेम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम कौन से टॉपिक्स बताएंगे? काइनेमेटिक्स में हम बताएंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है। काइनेमेटिक्स में हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत जितने भी पॉइंट आते हैं, उसी के अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे। जैसे सपोज डैट, सबसे पहला डेफिनेशन आपको बताना चाहेंगे कि मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मेटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैटेरियल ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ मैटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो क्या हो गया? मैकेनिक्स आता है, उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स एक तरह से फिजिक्स का ब्रांच है, फिजिक्स का ही ब्रांच है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल के ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। दैट इज क्लियर। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब इसके बाद आपको हम रेस्ट ऑफ मोशन के बारे में आइडेंटिफाई कराना चाहेंगे। तो वैसे तो आप लोग रेस्ट और मोशन के बारे में तो जानते ही होंगे, आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे कि आप रेस्ट में हैं, मोशन में हैं, या कोई अदर आर्टिकल रेस्ट में है कि नहीं है, इसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो अब हमें इसी के बारे में स्टडी करना है, डिफाइन करना है, कब हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम। इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम, इट्स पोजिशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तभी होगा जब वह अपने पोजिशन को टाइम के साथ चेंज ना करे। ऐसा नहीं, टाइम तो चेंज हो ही रहा है। जैसे सपोज डैट अभी 2 o'clock हो रहे हो और 2:05 पे वो आर्टिकल वहीं पर हो। जैसे सपोज डैट ये हम कैब की बात करते हैं, अगर ये कैब 2 o'clock पे यहाँ इस पोजीशन पे है और 2:05 पे आए तो भी यहीं पे पाएँ, 2 o'clock पे यहीं पे है और 2:05 पे आए तो भी यहीं पे पाएँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब इसके बाद आपको मोशन के बारे में बताना चाहेंगे। डिफाइन मोशन एंड व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। तो मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, जैसे आप इसके बारे में जान गए, तो बस इसमें हल्का सा चेंजिंग करना है। डज नॉट की जगह कर देना है चेंज, उसमें कहें डज नॉट चेंज, इसमें कह देंगे चेंज। मतलब एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका मतलब क्या हो गया? ये चेंज हो रहा है, इट चेंज इट्स पोजिशन, अपने पोजिशन को चेंज कर रहा है विथ टाइम, अपने पोजिशन को चेंज कर रहा है विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। डैट इज क्लियर। अब हम इसके बाद आपको बताना चाहेंगे टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ
बॉडी। तो अब मोशन के टाइप्स, इसमें आपको क्या बताएंगे, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, और क्या बताएंगे, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, और क्या बताएंगे, एक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, यही तीन बताएंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बताना चाहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे यहाँ पर आपको जानना है कि कब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में होगा, किस समय हम किस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। देखिए रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर वर्ड ही ऐसा है, ये स्ट्रेट लाइन के तहत जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से मोशन का भी डेफिनेशन उसी टाइप से हो जा रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल आर पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग एलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें क्या हो रहा है, अगर कोई पार्टिकल इन विच अ पार्टिकल, अगर अ पार्टिकल कोई पार्टिकल हो गया आर पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा मोशन जिसमें क्या हो, कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करे तो हम उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, डेट इज क्लियर। अगर ये आर्टिकल हो गया, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, तो ये किस टाइप का मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या, रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल आर पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज क्लियर। अब इसके बाद आपको जानना है, क्या जानना है, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, किस मोशन को हम सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन बोलेंगे। तो अब इसके बारे में जानते हैं, अ सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल आर अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल। जैसे इसमें रेक्टिलिनियर था तो स्ट्रेट लाइन हो गया, इसमें सर्कुलर है तो सर्कल के राउंड में मूव करेगा, सर्कल के तरह से मूव करेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि अ सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल आर अ पॉइंट मास बॉडी, आर अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल, इज मूविंग ऑन अ सर्कल अबाउट अ फिक्स पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर कोई आर्टिकल मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कुछ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक। और फिक्स पॉइंट हम बोल रहे हैं तो फिक्स पॉइंट किसे ले रहे हैं, सेंटर को ले रहे हैं, सेंटर क्या होगा, फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स्ड पॉइंट।
सेंटर सेंटर के चारों तरफ डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, इसलिए हम इसे क्या बोल दिए, फिक्स बोल दिए। तो अगर ऐसा मोशन है कि जो सर्कुलर के पाथ पे हो, सर्कुलर पाथ पे हो, जैसे कोई सर्कल हो गया उसी पाथ पर हो, और उसमें कोई फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स पॉइंट हम सेंटर लिए, ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं अ सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल आर अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल, इज मूविंग ऑन अ सर्कल सच दैट ऑल इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल, सर्कुलर सर्कल पे मूव कर रहा है, और इसके पार्टिकल जो हो गए तो क्या हो गए कि इनका किस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो गया। अ सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल आर अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल अबाउट अ फिक्स पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेटरी मोशन आर रोटेटरी, रोटेटरी हो गया, ठीक है, एक्सेलरेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ये आपका पॉइंट टू है, ये आपका पॉइंट टू ही है। और इसके बाद हम पॉइंट थ्री की बात करते हैं, पॉइंट थ्री में क्या है, ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, किस मोशन को हम ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। ऑक्सीलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, जिसमें कोई बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, या कैसे मूव कर रहा है, बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली, यही रिपीट कर रहा है रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट का, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह से, वैसे आप लोग टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ के बारे में आप लोग क्लास नाइन्थ के फिजिक्स में साउंड चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाया गया होगा, आप पढ़े ही हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग मोशन हम उससे बोल दिए कि जो इसमें क्या हो, वाइब्रेशन हो, कैसे वाइब्रेशन हो, टू एंड फ्रो मूव करें, बैक एंड फोर्थ मूव करें, वही मोशन बार बार रिपीट करें, उसे हम एक्सेलरेटिव बोलेंगे। तो अच्छा दोस्तों, अब आपके बीच में एक और पॉइंट आया था बार बार, जैसे हम अभी बोले थे, इसके पहले भी बोले थे पॉइंट मास बॉडी, इसके और पहले बोले थे क्या बोले थे, पॉइंट मास बॉडी, ठीक। तो क्या आप जानते हैं पॉइंट मास बॉडी हम किसे कहते हैं, तो आपको ये भी जान लेना अच्छा रहेगा कि पॉइंट मास बॉडी हम किसे कहते हैं, ठीक। तो अब हम पॉइंट मास बॉडी के बारे में बताते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट